भिंड जिले के प्रभारी व मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल 2 दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे और जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होकर विभागवार समीक्षा भी की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, उनको वास्तविकता में मदद मिल रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया है कि वह 6 महीने में एक बार जाकर जरूर देखें कि सरकार के द्वारा दी जा रही मदद उन तक पहुंच रही है कि नहीं। उन्होंने मुक्तिधाम और मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने और जिन गांव में मुक्तिधाम नहीं बने वहां मुक्तिधाम बनाने के भी निर्देश दिए। राजस्व विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की आधार फंडिंग में हम पूरे प्रदेश में सबसे पीछे हैं। लगभग 10,000 किसानों के आधार कार्ड के वायसी नहीं हुए हैं, लेकिन अभिलेख दुरुस्ती में भिंड जिला नंबर 1 पर है। जल संसाधन विभाग की समीक्षा में पानी किसानों की टेल पॉइंट तक पहुंचने और नहरों के रख रखाव के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में जिले की महगांव विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, लहार विधायक अमरीश शर्मा, अटेर विधायक और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, गौहद विधायक केशव देसाई, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, SP अमित यादव, जिला पंचायत CO जगदीश कुमार गोमे सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ मामले में बिल्कुल पीछे हैं, जैसे जो उदाहरण के लिए आधार सीडिंग जो है उसमें हम सबसे पीछे हैं। लगभग 1,90,000 किसानों में से 10,000 किसान ऐसे हैं जिनकी आधार फीडिंग नहीं हुई, तो उसके कारण हम राज्य में सबसे आखिरी नंबर पर हैं। और उसके पीछे जो कारण है वो एक तो भ्रम है कि OTP के कारण आजकल जो भ्रम फैला हुआ है वो भी एक कारण है। उसमें जनप्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया और वो सहमत है कि 10,000 किसान होंगे मतलब किसी के हिस्से में 2-4-5 हज़ार ही आएंगे। तो ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है, इसमें मैं आपकी भी मदद चाहूँगा कि कम से कम ये आधार फीडिंग होगी तो बाकी चीज़ें भी सुविधाजनक तरीके से चलेगी। दूसरा, बटान में हम पीछे हैं लेकिन अभिलेख दुरुस्ती में हम नंबर 1 पर हैं राज्य में। ऐसे राजस्व को लेकर नरेंद्र जी ने भी इस बहस को शुरू किया था, बाकी विधायकों ने भी उसमें बोला है, लेकिन राजस्व के मामले में एक बेहतर समीक्षा बिंदुवार हुई है और इसलिए मिलकर यह सुझाव आया कि अतिक्रमण मुक्त मुक्ति धाम, अगर मुक्ति धाम पर कहीं अतिक्रमण है तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में उनको खाली कराना। अतिक्रमण मुक्त मंदिर, ये दो, तीसरा है भूमिहीन मुक्ति धाम। अभी तक जो पिछली बार बैठक हुई थी उसमें 199 ऐसे गांव थे जहां पर मरघट की जमीन नहीं थी, जिसमें 56 कंप्लीट हो गए हैं, 55 जिनमें 43 जिसमें जमीन नहीं है, 35 ऐसे हैं जिन पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, जमीन है लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ, कहीं डिस्प्यूट है, 10 ऐसी जगह है जिनने कहा कि हम नदी के किनारे ही जलाने की परंपरा है, हमें नहीं चाहिए लेकिन हम